लेकिन आपने उस स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया, तो इससे यह समझा जा सकता है कि सदन भी चिंतित है और पूरा प्रदेश और पूरे देश या दुनिया भी यह कोरोना से चिंतित है। मुख्यमंत्री यहां है और मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना है, इसलिए थोड़ा प्रश्न तो हमने छोटा ही किया था, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़े से प्रश्न को गंभीरता और करेंगे ताकि मुख्यमंत्री जब जवाब दे तो पूरी बातों की जानकारी सदन को भी और पूरे प्रदेश को भी जानी चाहिए। हम सब अवगत हैं कि अब पूरे दुनिया में लगभग 100 से भी अधिक नहीं, लगभग 150 देशों में ये कोरोना फैल चुका है और WHO है, उन्होंने इसको महामारी घोषित किया है। भारत सरकार ने भी पूरे देश में इसको आपदा घोषित किया है। इसी से हम सब इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं, वो दिखता नहीं है और लगता भी नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री यहां आए हैं, हमने शायद अभी नहीं है सदन में, अच्छा ओ है स्वास्थ्य मंत्री, हमने सल से ढके हुए हैं बादल जी के बदले, नहीं हम नहीं देख पाए थे, क्षमा करें। तो अध्यक्ष महोदय, हमने स्वास्थ्य मंत्री का सोशल मीडिया में हमने देखा, एक पत्र वायरल हुआ था और वो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा, तो उसके लिए तो हम स्वास्थ्य मंत्री को अपनी ओर से बधाई जरूर मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने इस गंभीरता को समझा। लेकिन एक प्रश्न जन्म होता है कि स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, इसे लगता है कि सरकार में शायद समन्वय नहीं है, नहीं तो अच्छा ये होता कि स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से मिल करके बात करते और पूरी तैयारी होता, या फिर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री और पूरा विभाग को बुला करके फिर एक कोई गाइडलाइन जारी करते, तो वो कहीं देखा नहीं, तो लगा कि शायद कहीं ना कहीं संवादहीनता होगी या गैपिंग होगी या क्या है, ये तो मैं नहीं जान सकता हूं, ये तो दोनों सरकार ही बताएगी। और आज आप देखें किस प्रकार से ये बीमारी बढ़ रहा है, जिस तेजी से, अगर दुनिया का कुछ आंकड़ा भी अगर आप देखते हैं, जो दुनिया के जो विकसित देश जिसे माना जाता है, अमेरिका है या फ्रांस है, फ्रांस का अगर आप देखें पहला सप्ताह में जहां 12 था, वहां चौथा सप्ताह में 4000 से अधिक चला गया। हमने इसलिए कुछ ऐसे उदाहरण दिया जो कि ये सारे विकसित देश है, ईरान वगैरह की भयावह स्थिति है, भारत में भी उस प्रकार की चपेट में नहीं है, भारत सरकार ने तो काफी सावधानी बरती, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि हम कोई गंभीर रूप से लोग बीमार हो या कोई मर जाए हम उसके इंतजार करें, तो ये ठीक नहीं होगी, तब हम व्यवस्था करें तो ये अच्छी बातें नहीं होगी। सदस्य बगोदर से विनोद सिंह जी ने गिरिडीह, हजारीबाग, बाकी का उल्लेख किया, आज भी हम लोग अखबार में पलामू का देखे, काफी बड़ी तादाद में बाहर से जो लोग आए मजदूर, उनको उनकी जांच हुई है। हमने भी जानकारी लेने की कुछ कोशिश की कि इस विषय में क्या हो रहा है, तो हमें ये बताया गया, जो कुछ जानकारी हमें मिली, इसके लिए हमें जो प्रिकॉशन जो लेना चाहिए, सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए और सामाजिक स्तर पर भी जो काम होनी चाहिए, तो भी लगता है यहां दिखता नहीं है, जैसे स्टीवन जी ने कुछ बात ही नहीं है, हमें उस पर सावधानी क्या क्या बरतनी, तो पता चला कि रिम्स में एक तो जांच की वहां कोई लैब नहीं है, भाई राज्य की राजधानी है, वहां जांच की कोई लैब नहीं है, कई दिनों से चर्चाएं हो रही है, लैब कहां है आपको जमशेदपुर में। मुझे लगता है कि सरकार को इस गंभीरता को देखनी चाहिए और लैब राजधानी में ही नहीं बल्कि राज्य के जो पांचों प्रमंडल है वहां इसकी स्थापित होनी चाहिए, इस पर सरकार को बतानी चाहिए कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैं लगा कि लैब वहां भी है कि नहीं ठीक से ये भी पता नहीं चल रहा है, किसी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है जो हमने जानकारी प्राप्त करने की हमने कोशिश की, तो ये भी सरकार को बतानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को
कि भाई लैब कहाँ पर है, पांचों परमंडल में होगा कि नहीं, राजधानी में कब तक होगी। भारत सरकार की ओर से अखबार में आप सबने देखा कि 56 उन्होंने पूरे देश में लैब स्थापित किया, 56 और करने वाले। तो सरकार को यह भी बतानी चाहिए कि भाई पूरे देश में सरकार कर रही है तो राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है कि नहीं कि झारखंड में भी लैब स्थापित हो ताकि खून की बाकी की जो जांच हो। कल ही हमें पता चला कोई नीदरलैंड से पेशेंट आए थे और उनकी सैंपल ले गई, लेकिन पता नहीं कि फिर उसका हैंडलिंग कैसे होता है, जांच कैसे होता है, ये सारे चीजों के बारे में डिटेल्स सरकार को बतानी चाहिए, क्योंकि ये किस प्रकार से इस राज्य में पूरी तरह से। फिर जांच के भी हमें जितनी सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वहां जो टेस्ट होता है वो कहीं है नहीं व्यवस्था इस समय। आज जो मेरी जानकारी में, तो सरकार मुख्यमंत्री बताएंगे कि भाई उन सारे अस्पतालों में क्या है जांच की व्यवस्था, किस प्रकार की और जांच की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन में, हवाई अड्डे में, हवाई अड्डे में भी जो हमने पता किया वहां भी नहीं है जांच की व्यवस्था, बस स्टैंडों में या जहां भीड़भाड़ इलाका है उस पर किस प्रकार से सरकार उसको भी देखती है। अब हम तो ये सारे सवालों की जवाब मुख्यमंत्री जी को बतानी चाहिए कि इस बार क्या, और अंत में हम चाहेंगे कि सरकार क्या इसको मेडिकल इमरजेंसी घोषित करने की सोचती है क्या, ये भी उनको बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको पता है कि झारखंड में डॉक्टरों की बहुत कमी है और बहुत से डॉक्टर भागे रहते हैं, छुट्टी में रहते हैं। तो आप मेडिकल इमरजेंसी अगर आप घोषित करते हैं तो ये सारे पाबंदी लगेगी, वो ड्यूटी करेंगे। फिर आपका आदिवासी क्षेत्र में तो और भी, कोल्हान हो, संथाल परगना हो, डॉक्टर की निहायत ही कमी है। अब मंत्री जी से हम यही चाहेंगे कि आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे तो पूरे राज्य और सदन भी अवगत ये हो, अस्वस्थ हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री, प्रश्नकाल है, मुख्यमंत्री जी को अच्छा क्या व्यवस्था है आपका? व्यवस्था है हम लोग का, क्या व्यवस्था है बताइए। नहीं, व्यवस्था तो मंत्री का नहीं बनेगा, सदस्य का बनता है, व्यवस्था मंत्री का नहीं बनता है, ये मंत्री का व्यवस्था नहीं बनता। व्यवस्था ये अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल इस राज्य के लिए सोचने विषय लाया है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नीतिगत प्रश्न है। आप एक सदस्य को अगर आधे घंटे का समय देंगे तो और नीतिगत प्रश्नों को कहां जाएगा, इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न है कि नीतिगत प्रश्न में नीतिगत उत्तर मुख्यमंत्री देंगे, इसलिए हमारा प्रश्न बनता ही है। जवाब दे रहे कहा जाएंगे, जवाब दे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक बोले, ठीक माननीय मुख्यमंत्री जी, सही है। आप लोग जवाब नहीं देने देंगे, मुख्यमंत्री का जवाब आप लोग नहीं सुनेंगे? मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनना चाहिए। सुनिए, ठीक है, टेक्निकली कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं भी समझता हूँ, लेकिन आसन का भी मजबूरी होता है। पहले ही सवाल में इतनी लंबी चौड़ी राजनीति, मुझे लगता है कि इस गंभीर सवाल का एक मजाक बना के रख दिया गया। अध्यक्ष महोदय, दो तीन माननीय सदस्यों ने यह सवाल दिया है, माननीय आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी है, विरिंच नारायण जी का भी है, और शायद विनोद सिंह जी का भी इसी तरीके का सवाल है, इसी से जुड़ा सवाल है। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि विदेश से चलकर आया हुआ यह बीमारी धीरे धीरे पूरे दुनिया में छा रहा है। मैं भी इस पर लगभग आधे घंटे तक बोल सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। जिस तरीके से माननीय विपक्ष के सदस्यों ने
बाबूलाल जी के माध्यम से इसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या से के प्रति सजग है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हम लोगों ने सरकार में इनको नहीं दिखा होगा। आपने देखा अध्यक्ष महोदय, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम पूरे राज्य में चला रही है, जिसके तहत पूरे राज्य में प्रखंड स्तर में, पंचायत स्तर में, जिला उपायुक्त से लेकर के सभी पदाधिकारी और ग्रामीणों के साथ समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस संदर्भ में आदेश भी निकाला है, ये गोष्ठियां, ये बैठकें तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए, अखबारों में भी आया था। अध्यक्ष महोदय, लगातार इसके प्रति हमारी नजर है। हमारे राज्य से विदेशों में गए हुए लोग जो विभिन्न रास्तों से, कोई कलकत्ता में उतरता है, कोई मद्रास में उतरता है, कोई दिल्ली में उतरता है, उतर करके जो वापस झारखंड में आ रहा है, उन सभी यात्रियों को भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। लगभग 150 लोगों को हम लोगों ने ट्रैकिंग पर रखा है। उसके तहत गढ़वा पलामू का एक जो आज अखबार में आया है, हमारे संज्ञान में है अध्यक्ष महोदय। और इसी बीच सभी की चिंता है, जैसे माननीय विपक्षियों की चिंता है, ऐसा नहीं है कि हमारे सत्ता पक्षीय लोगों की चिंता नहीं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें पत्र लिखा, पत्र लिखें या जाकर के संवाद रखें, मुझे नहीं लगता इस पे कोई चाहिए चर्चा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हर कोई अपना संवाद का तरीका अपना सकता है, और अध्यक्ष महोदय इसके प्रति हम भी गंभीर हैं। कई बातें विभिन्न राज्यों से आ रही हैं, कई राज्यों के हम चीजों को भी देख रहे हैं। कभी पता चला दिल्ली का लोकसभा सत्र को भी बंद करने की अफवाहें चली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने भी कहा कि क्या हमें भी बंद करना पड़ेगा क्या, यह चिंता हमारे में भी रही। अध्यक्ष महोदय, इस पर सभी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, और आपको पता होगा अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर मैं अभी विधानसभा के अंदर ही एक बैठक करने जा रहा हूं, और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं भोजन अवकाश के बाद सरकार इस विषय पर आगे किस तरीके से विचार कर रही है और क्या क्या प्रिकॉशन ले रही है, इसका अवगत हम आपको कराएंगे।